शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे आपको हर हाल में पाना है अधिराज। प्रेम से ना सही, बल से ही सही। मैं तंग आ गई हूँ अधिराज। कभी हमारे बीच सुनैना आ जाती है और कभी वो डाकिनी चंद्रलेखा। लेकिन आज आज अब हम दोनों के बीच में मत आना, क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। सर्पिका, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं अधिराज, पर मुझे इस सुनैना को मारना है। आप देखना अधिराज, मैं आपको नागराज बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी और आपको हमेशा खुश रखूंगी। और यदि आपको पाने के लिए मुझे सबको मारना पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अधिराज, आप तैयार हो जाइए। सबको मारने की बात तो तुम भूल ही जाओ सर्पिक, अपनी जान बचाने की सोचो। अब मुझे मारेंगे अधिराज? अपनी मोहिनी को मारेंगे, जिसने आपसे इतना प्रेम किया उसे मारेंगे? जिसे तुम प्रेम कह रही हो ना, वो तुम्हारा हट था, केवल हट। प्रेम वो है जो सुनैना ने हमसे किया, हमें बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी उसने। प्रेम इसे कहते हैं सर्पिका। हे डाकगुरु, ये रक्त है काली शक्तियों के महागुरु का। इस रक्त की भेंट को स्वीकार करे डाकगुरु, प्रकट होइए। प्रकट होइए डाकगुरु, प्रकट होइए। क्या चाहिए तुझे? डाकगुरु, इस तांत्रिक को बस कुछ ही क्षणों के लिए जीवित कर दीजिए, ताकि ये हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। अधिराज, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे तो सबसे पहले मैं इस सुनैना को मारूंगी। बता, वो कौन सा दूसरा तरीका है जिससे मणि को सिद्ध किया जा सकता है? अधिराज अग्निवंशी है, अगर सुनैना काली शक्ति बन जाए और काली शक्ति बनकर उसकी आहुति दे दी जाए तो मणि को सिद्ध किया जा सकता है। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं है? पर सुनैना काली शक्ति बनेगी कैसे? अगर कोई काली शक्ति अपनी काली शक्ति उसके अंदर डाल दे तो
तो वो काली शक्ति बन जाएगी। सर्पिका अपनी एक काली शक्ति की आहुति देकर मणि सिद्ध करने वाली थी। इसकी जगह सर्पिका अपनी एक काली शक्ति अगर सुनैना के अंदर भर दे तो वो काली शक्ति बन जाएगी। पर सर्पिका को तो सुनैना और अधिराज आज मारने वाले हैं। इससे पहले कि अधिराज सर्पिका को मार दे, हमें उसे रोकना होगा। अब तक तुमने मेरा प्यार भरा रूप देखा था, अब पांच शक्तियों वाला भयानक रूप देखोगे। तैयार हो जाइए अधिराज, अपनों की मृत्यु देखने के लिए। तुम अपनी पांच शक्ति रूप धारण नहीं कर सकती। वहां देख, सुबह की पहली किरण आने वाली है। ये शुभ बेला, अम्बे माँ का ये सिंदूर और मंदिर की घंटियां तेरी शक्तियों को कम कर रही है। सूरज पूरा निकल गया, सुन लेना, करो प्रहार। हे अम्बे माँ, आज आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। सर्पिका का विनाश हो चुका है, हमें ही सुनैना को काली शक्ति में परिवर्तित करना होगा। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे हैं? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे बेटे के जीवन से इतना बड़ा संकट टल गया है। आपने और रानी साहब ने उस काली शक्ति के कारण कितने कष्ट सहे हैं। अब सारे कष्टों का अंत हो चुका है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सवेरा सुख और शांति को साथ लेकर आया है। और ये सब संभव हो पाया केवल तुम्हारे कारण। सुनैना, बिल्कुल सही कहा आपने, रानी साहब तो जैसे देवी का रूप हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इनके रहते आपको कोई क्षति तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी खुशी का अवसर है, हमें तो उत्सव मनाना चाहिए। चंद्रलेखा ने बिल्कुल सही कहा, उत्सव तो होना ही चाहिए, पर उससे पहले अधिराज और सुनैना को मंदिर जाना होगा, अपने विवाह के सारे वचन फिर से दोहराने होंगे। अधिराज सुनैना को वो मंगलसूत्र पहनाएगा, जो मंगलसूत्र अधिराज के प्राण बचाने के लिए सुनैना को उतारना पड़ा था। मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। सुनैना, तुम सच में महान सावित्री की तरह हो, जिसने अपनी जान पर खेलकर हमेशा हमारी जान बचाई है। जिस इंसान में अपनी जान बचती हो, उसकी जान तो बचानी होगी ना। हमने तय कर लिया सुनैना कि आज मंगलसूत्र पहनाने के पश्चात हम तुम्हें भरे दरबार में सम्मानित करेंगे और सारी प्रजा के सामने तुम्हें पुनः रानी का पद सौंपेंगे, ताकि उन्हें ये अनुभव हो जाए कि हमारे राज्य में कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा। ये तो और भी खुशी की बात है, हम अभी से सारी व्यवस्था में लग जाते हैं। जी,